this tutorial. So, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट कवर करी थी. तो यूनिट फर्स्ट में हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, यूनिट सेकेंड में हमने शूट सिस्टम पढ़ा था, मीन्स स्टेम में जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमने उस पर बात की थी. सो हम इस क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट. हाँ, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था लीफ सिस्टम और रूट सिस्टम. और आपके इस पेपर की लास्ट एंड लीस्ट यूनिट है यूनिट 4, जिसमें हमें सीड स्ट्रक्चर बात करनी है और सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, मीन्स उसका प्रक्रिया कैसे होता है, ये स्ट्रेटजीज हमने इसमें कवर करनी है. तो आज की यूनिट 4 में फर्स्ट जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है सीड. बीज, तो बीज क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद होता है. तो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सील. में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है. एम्ब्रियो इसमें सुरक्षित फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे न्यूट्रिशन प्राप्त करके और एकदम संरक्षित संरचना के बीच में एनक्लोज रहता है, इसमें सुरक्षित रहता है. तो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद सीड होता है. इस सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है. तो एम्ब्रियो की संरचना को क्या कहेंगे हम, सीड. तो स्ट्रक्चर ऑफ बैंक ऑफ सीड, द्विबीजपत्री बीज की संरचना. तो सबसे पहले ये बताओ कि द्विबीजपत्री या डाइकोट्स क्या होते हैं. डाइकोट्स जिनमें दो बीज पत्र या दो कोटाइलेडन्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, बीज कहलाएंगे. और ये जो बीज होते हैं, तो जैसे मैं बात करूँ चना, मूंग, आम आदि, ये क्या आते हैं, ये डाइकोट्स के अंदर आते हैं. सो मैं बेसिक से एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्राम ले रही हूँ. ग्राम मीन्स चना, साइज से टैग ले रही हूँ. तो ग्राम मीन्स चने को हम ग्राम बोलते हैं, साइज से रेडिटिनम जो उसका वर्क निकल रहा है मैं और चना का जानते हूँ. तो मैं यहाँ पे चना ले रही हूँ, ठीक है. तो चने के बीच में हम जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है डाइकोट सीड की, वो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है. तो जो डाइकोट सीड होता है, वो डाइकोट सीड हम यहाँ पे चना ले रहे हैं, तो पूरी जो स्टडी हम करेंगे वो पूरी किस पे करेंगे, चने पे. तो जो चने का बीज होता है उसका बाह्य चोटी या आउटर कोट, ठीक है. तो चने का बीज पीले भूरे रंग का होता है, ठीक है. सबसे फर्स्ट थिंग, चने का जो बीज होता है वो पीले भूरे रंग का होता है, जो आधारी भाग से चौड़ा और एपेक्स से संकरा या निर्म होता है. तो अगर मैं डाइकोट सीड में चने की स्टडी करूँ या चने का अध्ययन करूँ, तो मैं उसमें ये बताऊँगी कि ये जो चने का बीज होता है ये बाहर से हल्के पीले या भूरे रंग का होता है, जिसका आधार या भाग जोड़ा हुआ शीर्ष भाग संकरा होता है. इस चने के बीज पर एक क्लियर पॉइंट दिखाई देता है, क्लियर पॉइंट या स्पष्ट बिंदु, ठीक है. तो चने की सीड की स्टडी करने पे हमें एक क्लियर पॉइंट दिखाई देता है, इस क्लियर पॉइंट को हाइलम कहते हैं. तो ये बिंदु मान लो ये है चना,
इसे कहते हैं हाइड्रा। तो आप अगर चने को गौर से देखोगे ना, तो गौर से देखने में उस पर एक स्पॉट दिखाई देता है या एक क्लियर पॉइंट दिखाई देता है, जो हम इजीली उसको देखने पे ही पता लगा लेते हैं कि ये जो संरचना है ये क्या है, हाइड्रा। तो चने के बीच में एक क्लियर स्पॉट या स्पष्ट बिंदु दिखाई देता है जिसे हाइलम कहते हैं। ये हाइलम कैसे बनता है कि जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है या जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तब फ्यूनिकुलस से या बीज वृत्त से अलग होने पर यहाँ पे ये हाइलम बनता है। तो हाइलम क्यों बनता है, जब बीज, जैसे कि समझ लो बीज स्पॉट के अंदर होता है, ऐसी संरचना में ये बीज चना कवर्ड रहता है। तो ये जो यहाँ से बीज वृंत के द्वारा इस संरचना में क्लोज रहता है या अटैच होता है। तो देखो जब ये बीज वृंत से ये चने का बीज अलग होता है, तो वहाँ से अलग होने के स्थान पे ये क्लियर पॉइंट रह जाता है जिसे हाइलम कहते हैं। इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ से ये बीज कभी अलग हुआ होगा उस प्लांट से, ठीक है। तो ये हाइलम होता है। हाइलम के ठीक नीचे माइक्रोबायल पाया जाता है, ठीक है। तो हाइलम बीज के बीज वृत्त से अलग होने पे बनने वाली संरचना होती है एक क्लियर पॉइंट के रूप में, और इस हाइलम के ठीक नीचे माइक्रोबायल पाया जाता है या बीजाणु द्वार पाया जाता है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन होने के टाइम क्या होता है कि जब सीड नमी का अवशोषण करेगा और जब अंकुरित होगा, तब इसी माइक्रोपाइल साइड से ये अंकुरित या जर्मिनेट होता है। तो ये माइक्रोपाइल साइड क्या कार्य करेगी, तो हाइलम के नीचे पाई जाने वाली माइक्रोपाइल के द्वारा ही सीड जर्मिनेट होता है और यहाँ से क्या निकलती है, सीडलिंग निकलती है, ठीक है। नवोद्भिद, सीडलिंग किसे कहते हैं, नवोद्भिद। तो जो नया बनने वाला या अंकुरित होने वाला प्लांट है वो कहाँ से निकलेगा, इसी माइक्रोपाइल से बाहर की तरफ निकलता है। तो सीड के सीड कोट का अध्ययन करने पे हमें इसे बाहर की तरफ दो प्रकार के सीड कोट दिखाई देते हैं, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट पीले या भूरे रंग का होता है और ये थिक होता है और पेरिसेल टिश्यूज से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जबकि इनर जो सीड कोट होता है वो पतला होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये जो सीड कोट होता है चने का, ये सीड कोट दो आवरणों से मिलकर या दो कोट से मिलकर बना हुआ होता है, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। जो आउटर सीड कोट होता है वो कैसा होता है, लाइट येलो और ब्राउन कलर का, ठीक है। और कैसा होता है, थिक होता है, जबकि जो इनर सीड कोट होता है वो कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्मूथ होता है, और उसके अलावा पतला होता है। तो सीड कोट की अगर मैं बात करूँ तो ये आउटर, इसका सीड कोट का अध्ययन हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट जो होता है वो लाइट येलो ब्राउन कलर का होता है, उसके अलावा वो थिक या मोटा होता है। इनर सीड कोट आउटर सीड कोट के अंदर होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, मुलायम होता है, उसके अलावा ये पतला होता है। अब देखो कि इसमें दो बीज पत्र या दो डायरेंस पाए जाते हैं, तो हम अगर इस सीड को खोलेंगे तो इसमें इन्हें कहते हैं कोटाइलेडंस या बीज पत्र।
बड़े हुए होते हैं, इस अक्ष को हम यहाँ क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो ये दोनों कोटाइलेटन्स या बीज पत्र एक एक्सिस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इस एक्सिस को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एक्सिस के जो इस एक्सिस का जो अपर पोर्शन होता है या एपिकल पार्ट होता है ये वाला, इसे प्रीमून कहते हैं, और इस अक्ष का जो बेसल पार्ट होता है उसे रेडिकल कहते हैं। और कोटाइलेटन से ऊपर का भाग जो प्लूमूल की तरफ होता है वो क्या कहलाता है, हाँ ये जो डायपोल सीड होता है, इस डायपोल सीड में एंडोस्पर्म का अभाव होता है या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एंडोस्पर्म आप सभी को पता है क्या होता है, कि जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो डायपोल सीड होता है इसमें एंडोस्पर्म का अभाव होता है या बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये जो कोटाइलेटन्स का अक्ष होता है जिसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, इस अक्ष का अपर पार्ट प्लूमूल कहलाता है और लोअर का पार्ट रेडिकल कहलाता है। और ये जो कोटाइलेटन्स है, इन कोटाइलेटन्स के यहाँ से जुड़ने से लेकर प्लूमूल तक के भाग को एपिकोटाइल कहते हैं। और ये जो कोटाइलेटन्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से रेडिकल तक के भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल से शूट का फॉर्मेशन होता है और हाइपोकोटाइल पोर्शन से या रेडिकल वाले पोर्शन से रूट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ये देखो आप, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हाइपोड सीड की है। अब आप देख सकते हो कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका एपिकल पोर्शन प्लूमूल कहलाता है और बेसल पोर्शन रेडिकल कहलाता है। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, इसमें जहाँ से कोटाइलेटन्स जुड़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को एपिकोटाइल कहते हैं, और जहाँ से ये कोटाइलेटन्स जुड़े हुए हैं यहाँ से रेडिकल तक के पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। जब प्लूमूल वाला पोर्शन है या जो एपिकल पोर्शन है वहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है, और जो रेडिकल वाला पोर्शन है वहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरह से आपके डाइपोल सीड की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हुई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सॉरी हाँ ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें जो भित्तियां होती है वो कैसी होती है, सीड कोड कैसा होता है, और इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है, और इसमें पेरेंकाइमा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले सीड की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें तीन जोन्स में या तीन लेयर्स में उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सीड कोट, सेकेंड है पेरेंकाइमा, थर्ड
एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो सीड कोट है इसे भी आगे हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पेनिसिल, सेकंड है सब एपिडर्मिस, अंदर की ओर पाई जाने वाली सेल्स
मूल बार बेसल पोर्शन रेडिकल का निर्माण करता है, एपिकल पोर्शन रूट का निर्माण करेगा, मीन्स न्यूमन से रूट का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपके डायपोल सीड होते हैं। अब मैं इसकी एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपके आसानी से साइसोरेटिनम या ग्राम के सीड की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी। So they